Good morning to all the students. So we have already understood part one of the chapter number solids, liquid and gases. Now we will learn some other part of this chapter. So in this part we will learn about change of form, and then there is some terms we will learn about that. So let's start the chapter. So sabse pehle the change of form. So I have already told you that we have three forms, solid, liquid and gases. So whatever the things we have around us, जो भी चीजें हमारे आस पास है वो इन थ्री फॉर्म्स में ही होती है, या तो सॉलिड होती है या वॉटर लिक्विड होती है या गैस में होती है. देर इज नो एनी अदर फॉर्म इन बिसाइड ऑफ दीज थ्री. इसके अलावा कोई और फॉर्म्स नहीं होती है. बट नाउ सपोज वी हैव आइस. तो अब वो आइस वन फॉर्म वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज होती है, चेंज ऑफ फॉर्म बोलते हैं. अब ना वो कैसे होती है, जैसे सपोज आइस है तो आपने वो रूम टेम्परेचर पे रखी, तो रूम टेम्परेचर पे रखने से वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी. और जब वो मेल्ट होना शुरू हो रही तो वो पहले सॉलिड स्टेट में थी, सॉलिड फॉर्म में थी, बट बिकॉज ऑफ द मेल्टेशन वो धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में आ जाती है. तो ऐसे होती है फॉर्म के अंदर चेंज. अब वही वाटर जब हम उसे स्टीम करें, जब हम उसे थोड़ी सी हीट दें, तो वो धीरे धीरे वाटर वेपर बनना शुरू हो जाते हैं, स्टीम बनना शुरू हो जाती है. तो पहले सबसे पहले जब सॉलिड थी, सॉलिड से लिक्विड में आई ना, अब लिक्विड से वो जा रही है गैस के अंदर, वाटर वेपर में, स्टीम में. तो जस्ट लाइक दिस ऐसे जो फॉर्म्स होती है वो धीरे धीरे चेंज होती है. वाटर एडजस्ट यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो वाटर में दिया हुआ है. वाटर एडजस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स. वाटर एक ऐसी चीज है जो सब, मतलब जो तीनों फॉर्म्स है उसमें प्रेजेंट होता है. आइस भी वाटर ही है पर डिफरेंट फॉर्म है, देन लिक्विड फॉर्म, और फिर जो स्टीम है, वाटर वेपर है, वो भी वाटर ही है बट डिफरेंट फॉर्म है. द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. और ये तीनों चेंज फॉर्म्स है ये दूसरे में बदलती रहती है. अब देयर इज सम वर्ड्स टर्म्स यहाँ पे दी हुई है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. So melting यहाँ पे दिया हुआ है. Now what is melting? Melting is a process in which a solid changes into a liquid on being heated. So melting एक process होता है जब हम solid को liquid में बदलते हैं उसे heat देने के साथ. हम उसे heat देते हैं और वो heat देते देने पर वो जो solid होता है वो धीरे धीरे liquid में change हो जाता है. So उस process को हम बोलते हैं melting. अब एक process होता है जब यहाँ पे जो liquid है हमारे पास उसे हमने गैस में या वाटर वेपर में चेंज किया, तो मतलब लिक्विड फॉर्म चेंज हो रही है गैस के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है वाटर में, वाटर को बॉयल करने पे तो धीरे धीरे उसमें स्टीम आनी शुरू हो जाती है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है. तो स्टीम होने को बोलते हैं चेंज ऑफ फॉर्म, लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन. आई होप ये दो टर्म्स आपको अच्छे समझ आई हो. Then after that we have another term, that is condensation. What is condensation now? So when a gas changes into liquid, अभी हमने firstly we have changed from solid to liquid, तो हमने उसे बोला melting, and then हमने उस liquid को gas में change किया, हमने उसे बोला evaporation. Now वापस जो हमारे पास gas है वो वापस liquid में आ रही है, liquid form में change हो रही है. So that process is known as condensation. And when liquid changes again into solid, जब वो वापस लिक्विड सॉलिड में जाता है तो उसे फ्रीजिंग बोलते हैं. जैसे पानी है, पानी आप आइस, जैसे आइस ट्रे यहाँ पे मेंशन है, आप व्हेन यू पुट वाटर इन आइस ट्रे, देन यू कीप ट्रे इनटू द फ्रीजर, आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट वहां पे वो जो वाटर है वो पूरा आइस में चेंज हो जाता है. सो दैट इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग. All the three forms of the things are written here, जैसे solid है, liquid है and gas है. Because we are right now taking the example of water, तो solid का example है ice, liquid वाला, and liquid अपनी जो form है वो तो liquid ही है, and then steam है, steam gas के अंदर. जब solid change हुआ था liquid में तो it was a melting process. जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, एंड देन लिक्विड जब चेंज हुआ गैस के अंदर, देन वो इवेपोरेशन था. अब जब गैस वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड के अंदर चेंज होती है तो दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. एंड जब वाटर वापस से बैकवर्ड और जाता है एंड आइस में चेंज होता है, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग.
So ये four processes and that three forms of ये ना things ना has these four processes. I hope you all understood. ये there are the let's memorize. We have already understood these four words just now. So that's it for this chapter. Do revision, and if you have any doubt, you can ask me anytime.